आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा सर्वाधिकारी। सुल्तानपुर यूपी से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में महंगाई की वजह से आम तक नहीं बिक रहे हैं, किसानों की नहीं निकल पा रही है लागत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में महंगाई की वजह से झेल रहे हैं किसानों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई का हाल यह है कि लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाहते हैं। लोगों का कहना है कि राशन पानी के पैसे नहीं बचे हैं। लॉकडाउन की वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिसके चलते सुल्तानपुर के मंडी का हाल यह है कि आम थोक में 9 से 18 किलो तक बिक रहे हैं, फिर भी लोग खरीदने को तैयार नहीं हैं। किसानों का कहना है लागत तक हमारी नहीं निकल पा रही है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, जिसके चलते है फलों की बिक्री में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मंडी व्यापारियों का कहना है कि मंडी में माल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से माल खराब हो जाता है और मंडी व्यापारी और किसानों का दोनों का लंबा हर्जाना होता है। मंडी व्यापारियों एवं किसानों का कहना है कि सरकार को महंगाई पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। आम आदमी के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से आम बिक रहे हैं। आम आदमी के पास पैसे नहीं है, सही क्या है, आम कहाँ से बिकेगा भाई। आम के किसान बेचारे परेशान है, उनकी लागत नहीं आ रही है। और ये संतोष जैसे हरामखोर पैकार किसानों को लूट ले रहे हैं। अरे लूटे कहाँ लूट भाई है। ए मदन Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.